हेलो माय डियर फ्रेंड्स मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यू वी में स्वागत करता हूं साथियों मेरे प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर उपस्थित हूं वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स साथियों आज का हमारा वीडियो इस सप्ताह के करंट अफेयर्स से संबंधित है जो कि इकतीस मई से लेकर पाँच जून दो तक का करंट अफेयर्स है मेरे प्यारे साथियों वीडियो के क्वेश्चंस में साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखा करें कंप्लीट वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तो है आइए साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या से इस सप्ताह का करंट अफेयर्स कि किस संगठन ने युद्ध खेल स्टिड फास्ट डिफेंडर ट्वेंटी आयोजित किया है तो किसने किया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट किस कंपनी ने अपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तहत भारत में अपनी तरह का पहला क्रिप्टो आधारित लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जैब पे नेक्स्ट वर्ष 2021 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो एंडोस्कोपी से रोडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने तो पहले भारतीय बने डॉक्टर दुवर नागेश्वर रेड्डी साथ दुवर नागेश्वर रेड्डी के बारे में बात की जाए तो यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय चिकित्सक है पहले भारतीय चिकित्सक है उन्होंने एंडोस्कोपी के क्षेत्र में अपने काम के लिए इस पुरस्कार को जीता साथियों मेरे डॉक्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है साथियों डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ए के अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस में हम पढ़ते रहेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो साथियों आपसे विनम्र अनुरोध है कि सप्ताह का पूरा निचोड़ है तो निचोड़ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर कुछ के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे तो आप वीडियो पूरा देखें कंप्लीट वीडियो यही तीस मिनट का बीस मिनट तीस मिनट का वीडियो है बीस पच्चीस मिनट का तो ज़्यादा बढ़ावा लेंगे नेक्स्ट किस बैंक पर आर ने बैंक ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितता के लिए दस करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया एच डी एफ सी बैंक पर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक पर ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के, के साथ किस भारतीय संस्थान ने चेहरे के जोड़ तोड़ का पता लगाने के लिए एक अनूठा सॉफ्टवेयर फेक बस्टर विकसित किया आई आई रोपड़ के साथ आई आई रोपड़ जो कि पंजाब में है भारतीय सेना की पूर्वी कमान किसे सौंपी गई है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नेक्स्ट 31 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में साथ ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कि इकतीस मई को मनाया जाता है वैधानिक चेतावनी लिखी होती है हर तंबाकू के पैकेट पर कि तंबाकू खाना और चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी तंबाकू का सेवन का परिणाम मौत होगा अंजाम फिर भी तंबाकू लोग छोड़ते नहीं हैं इसलिए 31 मई को वर्ल्ड नॉट तंबाकू डे मनाया गया साथियों इस दिन की शुरुआत हुई की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और कब की थी 1988 में कब से मतलब 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी 2021 की बात की जाए तो 2021 में इसकी थीम जो रखी गई थी वो थीम थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध कमिट टू क्वेट तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता नेक्स्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पिछहत्तर वर्ष की आयु में फतेह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए आर्थर मुइ यूएई ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत से आने वाली फ्लाइट पर कब तक के लिए रोक को आगे बढ़ा दिया 30 जून तक नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है युवा प्रधानमंत्री योजना नेक्स्ट प्राचीन कच्छ शासन में जडेजा राजवंश के शासक व कच्छ के पूर्व महाराजा का कोरोना के कारण पचासी वर्ष की आयु में निधन हो गया है उनका नाम क्या था प्रगमाल जी नेक्स्ट है यूएचआई क्या है जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च करने जा रही है तो यू एच आई है यूनाइटेड सॉरी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंगार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है जर्मनी नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संस्थान को विश्व के विश्वविद्यालय रैंकिंग दो में भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान मिला है आई अहमदाबाद भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मैं हाइजीन एंड हेल्थ 28 मई को मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस की थीम थी तो यह थी विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वर्ल्ड मैन हाइजीन डे साथियों 28 दिन का मासिक धर्म 28 मई को मनाया जाता है मतलब विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है 28 मई को इनमें 28 दिन को कैलकुलेट किया जाता है कि अट्ठाईस दिन में मासिक धर्म आता है और ये महिलाओं के लिए किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है तो पेश किया है इपको ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड ने साथियों इपको जिसने की पहला नैनो यूरिया तरल लिक्विड लॉन्च किया है दुनिया के किसानों के लिए पहलो पहला नैनो यूरिया तरल है इसके लिए कहा जा रहा है कि एक बोरी खाद की जगह सिर्फ आधे लीटर लिक्विड से काम चल जाएगा मतलब जहाँ हम एक बोरी खाद का यूज करते थे वहाँ पर एक लीटर नहीं सिर्फ आधे लीटर लिक्विड से ही काम चल जाएगा और इसको किसने लॉन्च किया इपको ने नेक्स्ट सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली तसांग यिन हंग किस देश से संबंधित है हांगकांग राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सी के महानिदेशक डीजी कुलदीप सिंह को किस संगठन ने कोविड 19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक डिजिटल रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी मंच बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एन सॉरी एनसीपीसीआर ने साथियों एनसीपीसीआर जिसने कि बाल स्वराज नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और ये क्या है? बच्चों के जो राइट्स है उनके बारे में बात करती है नेक्स्ट काम भी करती है बात ही नहीं करती क्वेश्चन संख्या 20 की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 2021 के विश्व तंबाकू दिवस का विषय क्या था कमिट टू क्विट तंबाकू छोड़ने के प्रति प्रतिबद्ध विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड असेंबली के अनुसार विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया जाएगा 30 जनवरी को कौन सा संगठन व्याम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट के आदर्श वाक्य के तहत काम करता है भारतीय तटरक्षक बल

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसे अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है अलापन बंदोपाध्याय को साथियों अलापन साथोपाध्याय इकतीस मई को रिटायर हुए उन्होंने रिटायरमेंट लिया वो बंगाल के मुख्य सचिव थे अलापन बंदोपाध्याय और उनको उनका रिटायरमेंट होते ममता बनर्जी जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी उन्होंने उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया है हसमतुल्लाह साइदी को नेक्स्ट चीनी सरकार ने आबादी नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी को हटाते हुए कितने बच्चे पैदा करने पर अनुमति प्रदान है तीन बच्चे नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आई ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में आठ नामों को मंजूरी दी है चीनी भाषा में नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू ने चीन के किस दूसरे टीके को कोविड उन्नीस में उपयोग में मंजूरी प्रदान कर दी है वैक, ना वैको नेक्स्ट है किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड उन्नीस के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है तो केंद्र सरकार करेगी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस के नाम से किर, किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है तो ये क्या है किस राज्य ने गोवा राज्य ने साथियों गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम ये कार्यक्रम गोवा राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है साथियों इस परिवार योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो इस परियोजना का उद्देश्य उन घरों में अच्छे ऊर्जा पहुंचाना है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है तो क्वेश्चन तो है क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि किस राज्य ने सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो किसने किया गोवा ने अब हमने बात की गोवा के मुख्यमंत्री कौन है तो प्रमोद सावंत इस जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य है उन घरों में अच्छे ऊर्जा पहुंचाना जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है साथियों इस जो योजना है इसको आगे परियोजना को पूरा करने के लिए गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जी ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सी के साथ एक समझौता भी किया है तो तभी कह रहा हूँ साथियों मेरे वीडियो पूरा देख ला क्या पूरा देखिए पूरा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है नेक्स्ट क्वेश्चन कोविड संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितनी राशि तक व्यक्तियों को असुरक्षित ऋण अनसिक्योर्ड लोन्स प्रदान करने की घोषणा की है पाँच लाख रुपए तक ऐ पोत सजग को किस सशस्त्र बल में कमीशन किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में छात्रों की सेहत तो सुरक्षा के चलते किस बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है तो सीबीएसई बोर्ड कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को साथियों एक जन, जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ली और उसमें कोरोना वायरस कोरोना महामारी के चलते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा रद्द कर दी है। दीड एंड लिमिटेड कंपनी के CMD, गोल्ड बिस्किट के मालिक का हृदय गति रुकने से बहत्तर वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या था बीपी अग्रवाल असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को नेक्स्ट जस्टिस अरुण मिश्रा ने किस आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पद का नेक्स्ट बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है किसको किया है स्वपन दास गुप्ता को किस राज्य सरकार ने अभिभावक मंत्रियों की अवधारणा पेश की है असम सरकार ने नेक्स्ट वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ में किसका पदभार ग्रहण कर लिया नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ का नेक्स्ट किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको प्रकाशित की है तो किसने किया भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई ने भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट पेश की है जिसका नाम क्या दिया है इको कोरैप में वित्त वर्ष दो हजार -20 के लिए भारत की जीडीपी 7.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की भविष्यवाणी की है साथियों पहले जो रिपोर्ट दी थी उसमें 10.4 परसेंट की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी वर्तमान में देश कोविड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से झूझ रहा है तो दूसरी लहर के बड़े प्रभाव के कारण इसे डाउनग्रेड कर दिया गया नेक्स्ट रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जिने दिन जिदान की जगह किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है कार्ले नेक्स्ट अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर एवं टेलकम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा चौदह हजार पांच सौ करोड़ रुपए का एक जून को मनाए गए एक जून को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम क्या है <coughs> इसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर साथियों एक जून को प्रति वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है <coughs> इस दिन को पहली बार संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को पोषित करने के लिए स्थापित किया गया था कब स्थापित किया गया था 2001 में और किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन द्वारा साथियों 1 जून 2021 को इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बारहवीं सीबीएसई की परीक्षा रद्द हो गई

क्स्ट तीन जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एच का उपयोग करके अपने ग्राहक समर्थन को मजबूत करने के लिए किस भारतीय बीमा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है तो आईसीआईसीआई लॉम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नेक्स्ट है किस क्रिप्टो एक्सचेंज ने भारत में पहली बार एक अपूर्ण टोकन एनएफटी एफ मार्केट प्लस लॉन्च किया है तो वजीर एक्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन किस संगठन ने खराब होने वाले उत्पादों के वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए भारत का पहला आई ओ टी एम बी टैग विकसित किया है तो किसने किया आई आई टी रोपर पंजाब की आई आई टी रोपर ने भारत का पहला आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण एम बी टैग विकसित किया है जो भोजन डेयरी टीके और शरीर के अंगों और रक्त जैसे खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करेगा एमबीटेक इनोवेशन हब अवध और इसके स्टार्टअप स्क्रीन इस चैट के तहत विकसित किया गया है अवध मतलब एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल बोर्ड आईएनसीबी के अध्यक्ष के रूप में किस नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने तो उनका नाम है भारत के पूर्व नार्कोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क के एक सेवानिवृत्त अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी जगजीत पवाड़िया नेक्स्ट है ने किस राज्य या कि शासित प्रदेश ने पूरे भारत में खराब होने वाली बागवानी और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए गोवे एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? जम्मू और कश्मीर ने अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है पंजाब में नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में आग लग गई है और ओमान की खाड़ी में डूब गया है ईरान का नेक्स्ट है मदद मैप्स की रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है मदद मदद ऐप एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र जिसे कुछ किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के, के, के कुलपति व देश के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर महेश शर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दंत लेजेंड 2021 से नेक्स्ट क्वेश्चन बोर तो नहीं हो रहा है साथियों 57 हुए 78 करने हैं बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद डीएमसीआरसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विक्रमजीत सेन को केंद्र सरकार ने किस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है तो उसका नाम है शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट डेब्यू मतलब पहला डेब्यू में सबसे ज्यादा रन 200 रन बनाने वाले पहला बल्लेबाज बन गया डेवोन कॉनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉब्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को एक सौ करोड़ रुपए की कमाई के साथ उनसठवा नंबर पर प्राप्त हुआ है तो उनका नाम है विराट कोहली गैल गैस लिमिटेड के नए सी के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है रमन चड्डा ने भारत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर अगले महीने आई एम एफ में मानव संसाधन प्रमुख के पद से हटने के बाद किससे जुड़ेंगी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन से बांग्लादेश फादर ऑफ नेशनल बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का चाय के इंडस्ट्री के लिए उनके योगदान को देखते हुए उनकी जयंती को किस दिन के रूप में मना रहे हैं राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में ग्लोबल पैंडेमिक रेडरा नामक एक अंतरराष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस देश ने डब्ल्यू के साथ किया है? Kingdom, ने। है कंट। इंस्टेंट। नामक सीमा पार से आवक भुगतान सुविधा की पेशकश करने के लिए स्विफ्ट के साथ साझेदारी करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन सा पहला बैंक बना है आईसीआईसीआई IC, बैंक मेरा आईसीआईसी बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई ट्रैकर सिस्टम के साथ साझेदारी की स्विफ्ट स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन साथियों स्विफ्ट जीपीआई ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन इंस्टेंट नामक सुविधा की पेशकश करने वाला यह पहला बैंक बन गया स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सीमा पर व्यक्तिगत प्रेषण दो लाख रुपए तक के साथ आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को सक्षम बनाता है साथ ही क्वेश्चन हो गया छियासठ बचे बारह क्वेश्चन तो और पढ़ लेते थोड़ा सा कि कौन सा बैंक सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क के साथ साझेदारी में एनपीसीआई के यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक बन गया है एच बैंक इंडिया नेक्स्ट इसाक हरजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए इजराइल के किस देश ने कोवेक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त 800 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण की घोषणा की है जापान ने 5 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे साथियों वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जिसकी शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी वर्ष 1972 में 5 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी साथियों जून इस बार 2021 का विषय परिस्थिति की की बहाली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एक पेड़ लगाओ ऑक्सीजन पाओ क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में जब दूसरी लहर शुरू हुई थी उस समय मैक्सिमम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी और वह प्रॉब्लम हुई थी पेड़ पौधों को जो इस तरह करोगे नष्ट ऑक्सीजन कम मिलेगा और सांस लेने में होगा कष्ट इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या है 5.7 प्रतिशत रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्णा नारायण को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन का इस देश की सरकार ने कॉरपोरेट अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने का हवाला देते हुए ट्विटर पर बेमियादी प्रतिबंध लगा दिया है नाइजीरिया सरकार ने नेक्स्ट फेसबुक ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया है सात जनवरी 2023 तक के लिए नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है, आई एन एस को आई सी एन ने मछली की किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है ब्लू फिन महासर प्रजाति को नेक्स्ट है सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान किन कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दी जीएम एंड टी शर्ट और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या अठहत्तर की बिहार राज्य सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया तैतीस प्रतिशत तो साथियों ये था हमारे आज के पूरे सप्ताह का आज के नहीं पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स का निचोड़ सप्ताह का निचोड़ आज हमने पढ़ा और क्वेश्चन पढ़े अठहत्तर और साथियों वीडियो तो आपने पूरा देखा ही होगा और वीडियो पूरा देखा है तो और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल है यू वी उसको सब्सक्राइब करें इसके साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें और साथियों कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करता है थैंक यू सो मच धन्यवाद मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यू वी कम सन पर